आज नाम तो बढ़िया नहीं बस बढ़िया तुम्हारा पता बढ़िया किसका नहीं जिंदगी बर्बाद हो गया मेरा साले कुत्तों की जिंदगी और नए हेयर कट के साथ बैठा जिंदगी खराब क्यों गई। नहीं नहीं उस पे तो है ही खराब कि बाल नहीं है फिर भी बाल कटवाने पड़ते हैं भाई पैसे जाते हैं भाई और हम चुत गरीब है। बट इस बात पे बुरा नहीं लग रहा मुझे, बुरा इस बात पे लग रहा है कि आज आईपीएल शुरू हो रहा है। वो आईपीएल शुरू हो रहा खुशी मनाना साले धोनी धोनी अबे वही तो प्रॉब्लम है। मतलब एक साल से ऊपर बाद हम धोनी को देखने वाले हैं और जब मैच हो रहा होगा तो मैं वीडियो एडिट कर रहा तुम्हारे लिए। Why are we still here, man? मैं कितना भी बेस्ट ट्राई कर लू ना फिर भी मैं 9:30 से पहले एडिट नहीं खत्म कर पाता हूं। और अगर फर्स्ट टॉस जीत के चेन्नई खेलने लग गई बैटिंग करने लगी तब मैं तो नहीं देख पाऊंगा ना। अब मोर ओवर सालो तुम तो देख के एंजॉय कर रहे होगे, मैं वीडियो अपलोड भी कर दूंगा तो भी व्यूज नहीं आएंगे। अबे वैसे कौन से आते हैं, हर बार याद दिलाने की जरूरत नहीं होती पकौड़े साले सर पे चढ़ा रखा है मैंने। तुम्हें साई बाबा का प्रसाद खिलाना पड़ेगा। नहीं पता तुम्हें, अबे कोई पेडलर पकड़ा गया कर्नाटक में तो वो जो ब्राउन शुगर होती है ना वो साई बाबा के प्रसाद में डाल के सप्लाई करता था, गलती से पकड़े में आ गया, हेलमेट में डाल के घूम रहा था सर पे चढ़ा के, इसलिए सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए लोगों को, पकड़े में आ जाते हैं, पाप लगे मुझे। मतलब साई बाबा मेरे को पसंद है, पसंद मतलब क्या भगवान पसंद आ रहे होता, मतलब उनका वो गाना नहीं था मेरे घर के आगे साई नाथ तेरा मंदिर बन जाए। तुम साईं बाबा के लिए गाते थे, मैं ठेके के लिए गाता था। जब खिड़की खोलू तो तेरे दर्शन हो जाए। मरना है क्या भोसड़ी के, मरना तेरे को डर नहीं लगता? ऐसा तो मत करो यार, वो इतना सही था, ब्राउन शुगर बेच रहे उनके प्रसाद के नाम पे, पापी। ऐसे ही कुकर्म करने वालों के चक्कर में ना पेटीएम गूगल से हट गए। नहीं बताओ, अबे यही तो इंटरेस्टिंग न्यूज है, क्यों हटा किस लिए हटाया ये तो एक्चुअल रीजन नहीं मालूम, बट प्ले स्टोर की तरफ से जो रिस्पॉन्स था वो ये था कि मल्टीपल पॉलिसी ब्रेक करने के चक्कर में उनको हटाया गया प्ले स्टोर से, बट अभी 12-13 घंटे पहले वो वापस आ चुकी है। तो पॉलिसी किस वे से ब्रेक कर रहे थे ये मेरे को नहीं मालूम, बट मैं सम्राट को फॉलो कर रहा हूँ तो सम्राट बोल रहा है बेटिंग के चक्कर में बैन किया है एंड आई ट्रस्ट हिम, सो सोर्स दे दिया मैंने, मेरे को कोर्ट मत करना, सम्राट को पकड़ो। और प्लस क्लिकबेट भी बना लूंगा मैं सम्राट की फोटो डाल के, जी बॉय। चलो एक साइड की फोटो तो हो गई, अब दूसरी साइड में क्या डाल, अब बात करेंगे उसकी, क्या नाम है उसका, अरे वही जहां पे मेरे को बुलाते नहीं कभी। एक्चुअली 90% यूट्यूबर 97-8% यूट्यूबर्स को कोई नहीं बुलाता वहां पे, वो सिर्फ 2% कोई रिपीट में चलाते रहते हैं, अरे यूट्यूब फैन फेस्ट भाग मैन चल। सो यूट्यूब इंडिया ने अनाउंस कर दिया कि इस साल भी यूट्यूब फैन फेस्ट होगा, बट बाकी जैसा नहीं होगा, जैसे लाइव स्ट्रीम होती थी वैसे लाइव स्ट्रीम होगी इवेंट की, बट कोरोना के चक्कर में ना वो पब्लिक वाला नहीं होगा, वो सब नहीं कर पाओगे तुम बेसिकली। और एक्चुअली मेरे को लगता है अच्छा आइडिया है, बट मेरे को एक चीज का बुरा लग रहा है कि मैं इस बार क्लिकबेट नहीं मार पाऊंगा। अरे उन्होंने बुलाया था यार, मैं जा नहीं पाया। अबे साले, अरे रॉनी ने रिएक्ट कर दिया यार, रॉनी बोला इस साल भी नहीं बुला रहे, क्या हो गया रॉनी यार, अरे अब तू मैं छोड़ रहा, मैं तो पहले साल के बाद छोड़ दी थी कि अपना नहीं होने वाला यहाँ पे, ना ही नहीं सब मुमाया जी नहीं चाहिए, सही है नहीं। अबे बेइज्जत होना तो बाई चॉइस हो जाओ, वो बुलाएंगे तो भी नहीं जाऊंगा, सिंपल, पहले साल भी बोल दिया था अब नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। अरे बड़ा हरामी है यूट्यूब इंडिया पैसा चोर, मतलब जिस साल मैंने शुरू किया था ना उसे 17,000 सब्सक्राइबर वाले को रेड कार्पेट चला दिया था, 1,00,000 सब्सक्राइबर वाले को पर्सनल मैनेजर मिलता था, आज मेरी कोई वैल्यू नहीं है, 4 वीडियो खुद पॉलिसी चेंज करके चैनल को डीमोनेटाइज मार दिया, हर वीडियो मैनुअल रिव्यू हो रही है, मेरे पास कोई डेट नहीं ये कब फिक्स होगा, और हर वीडियो अप्रूव हो रही है, एक वीडियो डीमोनेटाइज नहीं हुई। Why are you still here, man? ये तुम्हें पता नहीं है ना, ये डिस्कॉर्ड वालों को पता है, कल रात को समझाया मैंने, कल रात को तो मैं अपने कजन सिस्टर की कहानी सुनाने लग गया, कुछ भी जो भी है अच्छा है, मेरे को क्या अपना क्या लेने देना, देखो सीरियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है किसको बुलाते किसको नहीं बुलाते, क्योंकि मजा वहां पे जितना आता है उससे ज्यादा मजा यहाँ पे आता है, मतलब वही समझो ना कि तुम रियल लाइफ में मिस्टेक कर सकते हो, बट एक बार रिकॉर्ड हो गया तो फिर लोग तुम्हारी मिस्टेक से मजे ले सकते हैं। सो आई होप कुछ फकअप हो, कुछ इंटरेस्टिंग हो और हमें एक और वीडियो का टॉपिक मिल जाए, बट मेरे को ये डिसीजन बहुत सही लगा यूट्यूब इंडिया का कि हाँ वो वैसे ना करके जैसे रेगुलरली होता कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, विच इज़ गुड, विच इज़ अमेजिंग। और सेम चीज़ आईपीएल के साथ है,
कि वो बायो बबल में कर रहे हैं ताकि इन्फेक्शन को रोका जा सके, कम करा जा सके, तो एक बहुत जीनियस और जेन्युइन मूव है। बट अगेन ये मेरे थॉट्स हैं, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। और अच्छे डिसीजन की बात कर रहे हैं तो बात करते हैं यूएस की, क्योंकि यूएस ने भी अनाउंस कर दिया है कि वो टिकटॉक को और वी चैट जैसी ऐप्स को, चाइनीज ऐप एक्चुअली प्राइवेसी इश्यू की वजह से बैन कर रहे हैं, और इस महीने के किसी डेट पे उन्होंने बोल दिया कि बंद कर देंगे हम लोग, जिस पे चाइना ने रिएक्ट किया है। ये यूएस वाले बुली कर रहे हैं, बुली हरास कर रहे हैं हमको, क्योंकि हम चमगादड़ खाते हैं। हरामियों, तुम्हारे चमगादड़ के चक्कर में पूरा देश छोड़ो, पूरी दुनिया की माँ बहने को रखी है। मैं तो कह रहा हूँ बहुत बढ़िया है ट्रंप जी, वो ऑरेंज जूस ला के दो चाचा को। सिर्फ यही नहीं, अभी तो मैं मालूम है इंडिया में भी टिकटॉक और वी चैट बैन हो चुके हैं, और साथ ही साथ पबजी भी बैन हो चुका है। बट जियो के साथ उनकी बात चल रही थी, पहले ही जियो और पबजी लाइट के कनेक्शन दे, कुछ जो जियो यूजर्स को एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देते पबजी लाइट मोबाइल जो था, और अब बात चल रही है कि पबजी को जो इंडिया लोकलाइज करने का है सीन, वो जियो के साथ हो, क्योंकि इवन उनका थॉट पेटीएम के साथ भी था, बट पेटीएम उसके साथ है ना, फ्री फायर के साथ, और बहन जो दुश्मन है दुश्मन है पबजी का तो फ्री फायर, तो इनकी बात चल रही है। तो मे बी दिसंबर या अगले मार्च तक में, अगर सब कुछ सही जाता है, उससे पहले पहले तुम्हें इंडिया में वापस इंडियन वर्जन पबजी का मिल जाएगा जियो की मदद से। सो ये एक अमेजिंग चीज़ है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है, मुझे बहुत सही लगा कि ठीक है, मान लिया अंबानी जी के पास हमारे, मैं अपने घर की बात करने वाला था, बट फिर मुझे एहसास हुआ बहन जो बहुत ज्यादा रही है वो, हम शुद्ध गरीब है, ले आएंगे प्रॉफिट ही कमाएंगे, जो भी है देखी जाएगी अपने क्या। मैं तो खेलता भी नहीं पबजी, एक्चुअली पबजी पहली गेम थी जिसकी वजह से मैंने गेमिंग लाइव स्ट्रीम करी थी, क्योंकि रात को नींद नहीं आ रही थी, वो भी दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, ओ बस हो गया खत्म, सारी न्यूज हो गई खत्म। तो अब क्या करेंगे, 10 मिनट तो करने करने हैं, और आईपीएल भी देखना है, तो हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन साउथ इंडियन मूवी। कैरी मिनाटी, कैरी मिनाटी ने रिएक्ट किया है, क्या किया है मुझे नहीं मालूम, मैं यूट्यूब पर आके वीडियो देख रहा हूँ, बहन चंद मेरे को मैच देखना है, मैं कुछ भी पी लूँ आज, अभी इसके लिए खत्म कर रहे हैं। बाकी अगर तुम्हारे पास कुछ है जो मैंने नहीं देखा तो कमेंट कर दो ना, मैं जाके चेकआउट कर लूंगा, और बाकी मैं बोलता तुमसे कल जाने के लिए ईसा। आज का क्या, जिंदगी ना हमेशा अकेले ही निकलती है, लोग तसल्लियां दे सकते हैं साथ नहीं।